तो मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स में हमें अब तक कई सारे बेस्ट और ऑसम फाइट सीक्वेंस देखने को मिले हैं, लेकिन अगर इनमें सबसे बढ़िया फाइट सीक्वेंस की बात की जाए तो वो होते हैं क्लोज रेंज फाइट या फिर हैंड टू हैंड फाइट। अब चाहे वो फाइट हमारे हीरो वर्सेस हीरो की हो या फिर हीरो वर्सेस विलन की, इस तरह की क्लोज रेंज और हैंड टू हैंड फाइट्स को देखने का मजा एक अलग ही होता है। और मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स की मूवीज में ऐसे कई सारे मूवमेंट्स भरे पड़े हैं, और आज हम ऐसे ही हैंड टू हैंड और क्लोज रेंज फाइट्स के बारे में बात करने वाले हैं, उनको रैंक करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो स्वागत है आपका सुपर बीएनपी चैनल के एक और नई वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स के टॉप 9 क्लोज रेंज और हैंड टू हैंड फाइट सीक्वेंस की रैंकिंग के बारे में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, साथ ही अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। नंबर 9 पर है हल्क वर्सेस एबोमिनेशन। तो द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में एमिल ब्लॉन्स्की एबोमिनेशन में ट्रांसफॉर्म हो जाने के बाद शहर में भारी भरकम तबाही मचा रहा होता है, तभी वहां पर आ जाता है हमारा गुस्से से हरा भरा हल्क, और इन दोनों के बीच में यानी कि इन दोनों पावर हाउस के बीच में फाइट होती है, जहां कई सारी बिल्डिंग्स और कई सारी कार ऐसे टूटती है जैसे कि वो थर्माकोल की बनी हो, कागज की बनी हो। यहां पर यह दोनों एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हैंड टू हैंड क्लोज रेंज फाइट करते हैं, तो एमसीयू वन ऑफ द बेस्ट हैंड टू हैंड फाइट सीक्वेंस में से एक है। नंबर 8, आयरन मैन वर्सेज आयरन मॉन्गर। पहली आयरन मैन मूवी अपने आप में ही एक बेस्ट मूवी है, जिसे और भी ज्यादा बेस्ट बनाता है इसका क्लाइमेक्स बैटल, जहां पर आयरन मैन आयरन मॉन्गर के साथ हैंड टू हैंड क्लोज फाइट करता है। यह फाइट एक बेस्ट क्लोज रेंज फाइट और हैंड टू हैंड फाइट है, क्योंकि यहाँ पर टोनी अपने आर्मर से ज्यादा रिलाई करता है अपने खुद के इंस्टिंक्ट पे, क्योंकि उसका आर्मर वहां पर ज्यादा कामता नहीं रह पाता है। यहाँ पर आखिरकार वो अपने माइंड का यूज करके ओबडेस्टन यानी कि आयरन मॉन्गर को हराता है, और यह फाइट सीक्वेंस भी एक बहुत ही बेहतर और ऑसम फाइट सीक्वेंस था, जो कि क्लोज रेंज फाइट और हैंड टू हैंड फाइट में अपनी जगह बना लेता है। नंबर 7, टीचाला वर्सेज किलमोंगर। ब्लैक पैंथर मूवी में जब किलमोंगर टीचाला को चुनौती देता है, तब टीचाला उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके बाद ब्लैक पैंथर की पावर्स टीचाला से वापस ले ली जाती है, और फिर शुरू होती है टीचाला वर्सेज किलमोंगर की एक हैंड टू हैंड फाइट। अब यह फाइट खास इसलिए थी क्योंकि इस फाइट में ना तो कोई हाईटेक वेपन्स यूज हुए हैं ना ही कोई आर्मर। यह फाइट पूरी तरह से बेस्ड थी हैंड टू हैंड फाइट पर। यह फाइट बेस्ट हैंड टू हैंड फाइट बनती है अपनी सिंपलिसिटी की वजह से, जहां पर किलमोंगर टीचाला को फाइट में हराकर उसे खाई में फेंक देता है, लेकिन टीचाला मूवी के एंड में वापस आकर के किलमोंगर की बजा देता है। नंबर 6, हल्क वर्सेज हल्क बस्टर। तो अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी में जब वंडा हल्क को माइंड कंट्रोल करके गुस्सा दिलाती है, तब गुस्से से हरा हुआ हल्क शहर में तोड़फोड़ करता है, तभी वहां पर उसे रोकने के लिए आ जाता है आयरन मैन, जिसके पास हल्क बस्टर आर्मर होता है, जो कि स्पेशली डिजाइन किया गया था गुस्से से हरे भरे हल्क को रोकने के लिए अगर वो कभी बेकाबू हो जाता है तो, जिसे बनाने में खुद ब्रूस बैनर ने ही मदद भी की थी। जिसके बाद हल्क वर्सेज हल्क बस्टर के बीच में काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव और हैंड टू हैंड फाइट होती है, जिसमें हल्क पहले तो हल्क बस्टर के छीतड़े इधर उधर कर देता है, लेकिन उसके तो पार्ट रिप्लेस होते रहते हैं, जिसकी वजह से उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। इन द एंड यहाँ पर दिखाया गया कि हल्क उस फाइट में हार जाता है। बेसिकली ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन मूवी में तो यही दिखाया गया था, और उस फाइट के आखिर में टोनी हल्क को शांत कर देता है, लेकिन यह बेस्ट हैंड टू हैंड फाइट में से एक थी, जो कि हल्क वर्सेज हल्क बस्टर के बीच में हुई थी। नंबर 5, सेंची वर्सेज वेनवू। तो सेंची एंड द लीजेंड ऑफ द टेन रिंग्स मूवी मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स की वन ऑफ द बेस्ट हैंड टू हैंड फाइट वाली मूवी बन चुकी है, जहां हमें पता चलता है कि सेंची का फादर ही असली मैंडरिन है, और इस मूवी के क्लाइमेक्स बैटल में हमें सेंची वर्सेज वेनवू की फाइट भी देखने को मिलती है, जहां वेनवू यानी कि मैंडरिन के पास 10 रिंग्स होती है, जो कि मैजिकली या फिर किसी एलियन टेक्नोलॉजी से बनी हुई होती है, जो काफी ज्यादा पावरफुल भी है, जो कि उसे लंबे टाइम तक जिंदा रहने में भी हेल्प कर रही थी, जिसमें से आधी रिंग्स उस फाइट के दौरान सेंची अपने कंट्रोल में ले लेता है, क्योंकि उसे उसकी मां ने सिखाया था कि रिंग्स को कैसे कंट्रोल में करना है। उसके बाद दोनों के बीच में फाइट होती है बराबरी वाली, और यह एक वन ऑफ द बेस्ट हैंड टू हैंड फाइट सीक्वेंस था, जिसे कितनी भी बार देखो वो ऑसम ही लगता है। नंबर 4, कैप्टन अमेरिका एंड बकी वर्सेज आयरन मैन। तो कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी में जब आयरन मैन को यह पता चलता है कि बकी ने ही उसके मॉम डैड को मारा था, तब टोनी बिना सोचे विचारे गुस्से में बकी को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन कैप्टन उसे रोक लेता है, जिसके बाद आयरन मैन कैप्टन से पूछता है कि क्या तुम्हें पता था कि इसी ने मारा है, तब कैप्टन कहता है कि हाँ पता था, लेकिन वो यही है ये नहीं पता था, और यहीं पर हमारे आयरन मैन को गुस्सा आ जाता है, वो फाइट शुरू कर देता है कैप्टन अमेरिका और बकी के साथ में, जहां पर बकी और कैप्टन अमेरिका दोनों मिलकर आयरन मैन से फाइट करते हैं, और बाद में आयरन मैन वर्सेज कैप्टन की भी फाइट होती है। अब भले ही यह फाइट सीक्वेंस ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन जितना भी था अभी ज्यादा ऑसम था। यह एमसीयू का वन ऑफ द बेस्ट फाइट सीक्वेंस था मेरे लिए, जहां पर आयरन मैन के अगेंस्ट में दो सुपर हीरो थे, जो कि द विंटर सोल्जर और कैप्टन अमेरिका, और दोनों के पास सुपर सोल्जर सीरम से मिली हुई पावर्स थी, जबकि आयरन मैन के पास सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजी और अपने माइंड से बनाया हुआ आर्मर था, और यह एमसीयू का एक बेस्ट फाइट सीक्वेंस होने के साथ ही वन ऑफ द बेस्ट सुपर हीरो वर्सेस सुपर हीरो फाइट सीक्वेंस भी था। नंबर 3, थॉर वर्सेज ग्लेडिएटर हल्क। जब थॉर रैग्नारोक का ट्रेलर आया था, वो बातें जो कि फैंस को इस मूवी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड कर रही थी, उनमें से एक तो था हेला का म्योलनिर को तोड़ना, और दूसरा था म्योलनिर के बिना थॉर का हल्क के साथ फाइट करना। मेरा मतलब है ग्लेडिएटर हल्क के साथ क्लोज रेंज फाइट, मतलब कि सोचो आज तक थॉर ने जितनी भी फाइट्स की थी उसने म्योलनिर का ही यूज किया हुआ था, लेकिन यहाँ पर बिना म्योलनिर के उसे फाइट करनी थी, तो एक्साइटमेंट तो बढ़ी जाती थी। और सही में हल्क वर्सेस थॉर की यह फाइट काफी ज्यादा ऑसम भी थी, जब दोनों हैंड टू हैंड फाइट करते हुए एक दूसरे को उठा उठा कर पटक रहे थे। हालांकि यह एक एपिक हैंड टू हैंड और सुपर हीरो वर्सेस सुपर हीरो की फाइट थी, बस इसे थोड़ा कॉमिक टच दिया गया था, और दुख बस इस बात का रह गया कि ग्रैंड मास्टर ने चीटिंग करके थॉर को हरवा दिया। नंबर 2,
फैल्कन एंड बकी वर्सेज यूएसए दिन। तो पर्सनली मुझे फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज इतनी ज्यादा कुछ खास पसंद नहीं आई थी, लेकिन इस सीरीज के कुछ फाइट सीक्वेंस काफी बेहतरीन थे, जिनमें से एक सीक्वेंस था फैल्कन और बकी के साथ मिलकर यूएसए दिन के साथ फाइट करने वाला, वो भी हैंड टू हैंड फाइट। यूएस एजेंट अकेले होते हुए भी पीछे नहीं हटता है, हार नहीं मानता है, उसे फाइट करता है, पर आखिरकार वो वहां पर हार जाता है। और सही में यार पूरी सीरीज में यह वाला फाइट सीक्वेंस मुझे सबसे ज्यादा बेस्ट लगता है। हालांकि और भी फाइट सीक्वेंस थे, पर हैंड टू हैंड फाइट में यह वाला मुझे सबसे ज्यादा बेस्ट लगा। आपको कैसा लगा कॉमेंट में जरूर बताना। अब बारी आ चुकी है नंबर वन वाले फाइट सीक्वेंस के बारे में, तो अगर आपने गेस कर लिया होगा तो कॉमेंट में बता दो कि कौन सा वो सीक्वेंस होने वाला है, नहीं तो चलो मैं ही बता देता हूँ। तो नंबर वन पे आता है कैप्टन अमेरिका वर्सेज थानोस। तो वैसे कैप्टन अमेरिका के कई सारे हैंड टू हैंड और क्लोज रेंज फाइट सीन्स हैं, लेकिन थानोस के साथ फाइट आखिरी फाइट थी कैप्टन अमेरिका की, इसलिए ये मुझे सबसे ज्यादा बेस्ट लगता है। जब कैप्टन थॉर और आयरन मैन तीनों मिल करके थानोस पर अटैक करते हैं, तब थानोस पहले आयरन मैन को फिर थॉर को फाइट से बाहर करने ही वाला होता है, तभी कैप्टन वहां पर आकर के म्योलनीर को लिफ्ट करते हैं, थानोस से दो दो हाथ करते हैं और थानोस की बैंड बजा देते हैं, जहां थानोस वर्सेस कैप्टन के बीच में छोटी सी लेकिन काफी ज्यादा ऑसम फाइट होती है। कैप्टन इस फाइट में अपनी हैंड टू हैंड फाइट्स करने की स्किल और म्योलनीर दोनों का एक साथ यूज करते हैं और लाइटनिंग का भी यूज करके यह फाइट में थानोस को पूरी तरह से धो डालते हैं। और यह फाइट कैप्टन अमेरिका की आखिरी फाइट होने के साथ ही वन ऑफ द बेस्ट हैंड टू हैंड क्लोज फाइट्स में से एक है। तो यह थी टॉप 9 मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट हैंड टू हैंड और क्लोज रेंज फाइट्स की लिस्ट। इनमें से आपकी फेवरेट फाइट कौन सी ये कमेंट में जरूर बताना। अगर इस लिस्ट में कोई और भी फाइट सीक्वेंस ऐड होना चाहिए था तो वो भी कमेंट में जरूर बताना। इन सब के अलावा ये वीडियो कैसी लगी यह कमेंट जरूर करना। अगर वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना, बिकॉज यू आर सुपर बीआरपी। Around, don't get caught in the mosh pit. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip, and I'm liable to spark it.